कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। सो मैम साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, भारत ने एशियन गेम्स जो है कि अभी खेली जा रही है और उसमें 100 गोल्ड मेडल्स जो हैं, सॉरी 100 मेडल्स जो हैं वो जीत चुके हैं, और 100 मेडल्स जिसमें गोल्ड मेडल्स भी हैं और जो है वो सिल्वर मेडल्स भी हैं, मतलब डिफरेंट मेडल्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि भारत ने जो है वो टोटल मिलाकर जो है वो 100 क्रॉस कर लिए, जो कि एक सेंचुरी है। और ये एक भारत की हिस्ट्री भी है कि फाइनली भारत 100 क्रॉस कर गया, और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, इसके अलावा और भी जितने भी भारत के जो गेम खेलते हैं उन्होंने अपना फुल कंट्रीब्यूशन दिखाया और अपनी फुल स्ट्रगल के बाद जो है भारत के लिए मेडल्स जीत के लाए, ब्रॉन्ज जीत के लाए, सिल्वर जीत के लाए और गोल्ड मेडल। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एशियन गेम्स की जहां पर भारत के खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए देश की झोली मेडल से भर दी है। एक तरफ 9 साल बाद हॉकी में गोल्ड जीता है भारत, और दूसरी तरफ इस गेम में मेडल का शतक पूरा करने का रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला ना रुक सका। 100 मीटर्स हर्डल्स में गजाला रमजान का आखिरी नंबर रहा। 10 मीटर्स एयर पिस्टल मिक्स टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच में पाकिस्तान को ईरान ने शिकस्त दी। तो एशियन गेम्स हैं उसमें 2 मेडल विन कर पाए हैं और उन्होंने 100 के करीब मेडल विन किए हैं, जिसमें 22 से ज्यादा या 22 ऑलमोस्ट गोल्ड हैं, बाकी दूसरे मेडल्स हैं। जो एशियन गेम्स है उसमें इंडिया ने सोने के सिक्के जीत जीत के, सिक्के मतलब ये कि मेडल्स जीत जीत के जनाब ढेर लगा दिया। इंडिया में तो सोने के तमगों का, गोल्ड मेडल्स का ढेर लग चुका है एशियन गेम्स के। उस पर मैं देख रही थी कई एक गेम्स में उन्होंने काफ़ी मैचेस जो हैं वो जीते हैं। आई मीन यार, वेयर डू वी स्टैंड? आई टेल यू कि मतलब मुझे अफसोस, मैं आई मीन ऑनेस्टली यार, मैं देखता हूँ कि देखिए एक स्पोर्टिंग कल्चर होता है एक नेशन के अंदर। यार वी आर नॉट प्रमोटिंग स्पोर्टिंग कल्चर इन अ नेशन। इन गेम्स वाला तो इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, विमेन्स मार खा गई। इंडिया को देखें यार, क्या जीता है इंडिया, कहाँ हमारी स्पोर्ट जा रही है और कहाँ दूसरों की स्पोर्ट जा रही है। दिस इज रियली टाइम टू रियली जस्ट पॉन्डर के वेयर वी स्टैंड, मतलब एज अ स्पोर्टिंग नेशन, क्योंकि ये बहुत बुरे हालात है। इंडिया सिर्फ गेम में मैं नहीं कहूँगा कि आगे जा रहा है, बल्कि इंडिया तकरीबन हर शोबे में हमसे आगे जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि वो एक बिल्कुल अपना जो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी शोबा आप सबसे पहले देखें, आईटी का शोबा देखें, और इस टाइम सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अभी खेलों के उनके ग्राउंड्स देखें, जगह जगह पे ग्राउंड्स बन रहे हैं और वहाँ पे उसकी केयर की जा रही है। परफॉर्मेंस 3 सालों में बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई नया खिलाड़ी नहीं, और बिल्कुल ऐसे खेल रहे जैसे वो व्हील चेयर नहीं खेलते थे हम, एक गया दूसरा, म्यूजिकल चेयर, तो एक आदमी गया दूसरा गया आया तीसरा आया चौथा आया, और ये नहीं होना चाहिए था। इन 3 सालों में मेरा अपना जाती तजुर्बा ये है कि उन्होंने एक खिलाड़ी पैदा नहीं किया, कोई जूनियर टीम नहीं बनाई। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम पहली बार एशियाई खेलों में 100 मेडल जीतने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। धीरे धीरे अभी आज 100 आया, तो अगले साल क्या पता और आए। तो ऐसे हमारा हर साल मेडल की जो टैली है वो पिछले साल से ज्यादा होती जा रही। और दोस्तों बगल में जज्बे वाली कौम है यार, इतना जज्बा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मेडल आया है। टॉप करना ही है इस बार मेडल टैली में। नीचे से आप लोग देखोगे तो पाकिस्तान आपको पहले दूसरे पे नजर आएगा। बहुत ज्यादा जज्बा दिखा दिया इस बार इन्होंने और मेडल टैली को नीचे से टॉप कर दिया। दोस्तों मान गया मैं, जज्बे में अगर कोई कौम है नंबर 1 तो फिर पाकिस्तान है भाई, जज्बे की कमी नहीं है। और भारत जैसे देश में इतना ही जज्बा है कि हम भाई 100 मेडल जीत सकते हैं, ऐसे आसपास 22-23 गोल्ड जीत सकते हैं, लेकिन भाई इनका जज्बा मानना पड़ेगा कि 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। वाह क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों। हमेशा भारत को कहते हैं हम जज्बे से हरा देंगे, जज्बे से हरा देंगे, मतलब कहाँ स्टैंड कर रही है। मतलब सूडान वगैरह जैसे देश भी, खैर सूडान तो है नहीं, लेकिन छोटे छोटे देश जो शायद अपने पाकिस्तान के एक जिले बराबर होंगे, वो 2-2, 4-4 मेडल लेके आ रहे हैं, इनसे सिर्फ 2 मेडल अचीव किया गया। वाह भाई जज्बे वाली कौम है, ये मानना पड़ेगा। अच्छा अगर नेबर कंट्री की बात करें, उन्होंने आपके अंदाजे में इंडिया की बात करें कितने मेडल विन किए होंगे एशियन गेम्स में? अगर हमने 2 किए हैं तो उन्होंने कितने किए होंगे एक अंदाजा? आई थिंक उनकी आबादी हमसे काफी ज्यादा है और तो काफी ज्यादा तकरीबन 10-20 तो किए होंगे। अगर थोड़े और ज्यादा बोलूं, कहूं कि थोड़े ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 30s होंगे तकरीबन, और ज्यादा और 35 या 40 के। उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किए जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। About that in my earlier video today, लेकिन I would say it's like very disappointing यार, I don't want to use harsh words, लेकिन आप एशियन गेम्स में जाके भी सारे पुराने लड़के ले जाके भी आप मतलब हार रहे हैं अफगानिस्तान से,
मैं कहता हूं कि यार वो दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह हमारी गवर्नेंस रही, एडमिनिस्ट्रेशन रही, तो वो दिन दूर नहीं भाई। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, याद रखिएगा, जब आप अफगानिस्तान और मतलब कैसे बोलते हैं, यू विल इवन स्ट्रगल टू बीट लाइक टीम्स लाइक अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। वैसे तो हम देख रहे हैं जो एशियन गेम्स है उसमें इंडिया ने सोने के सिक्के जीत जीत के, सिक्के मतलब ये कि मेडल्स जीत जीत के जनाब ढेर लगा दिया। इंडिया में तो सोने के तमगों का, गोल्ड मेडल्स का ढेर लग चुका है एशियन गेम्स के उस पर। मैं देख रही थी कई एक गेम्स में उन्होंने काफ़ी मैचेस जो हैं वो जीते हैं, लेकिन हमारे एशियन गेम्स में जो हालात हैं, बाहर जब भी कोई गेम होती है तो मैं देख रही थी, एक वीडियो चल रही है, वो रेस और वो वुमेन रेस थी, और ख्वातीन की उस रेस में सर पूरी दुनिया में वो चली है फुटेज, एक लड़की है वो भागती चली आ रही है, भागती चली आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता भागती चली आ रही है, और पता ही चलता है कि वो रेस ख़त्म हो चुकी है, और लोग फिर भी उसके लिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाता है। देखिए इन मुल्कों में ना ये इस चीज़ का ख्याल रखा है, वो सिर्फ इसलिए तालियां बजा रहे हैं कि कोई बात नहीं पीछे रह गए, लेकिन हैरान भी हो रहे हैं कि ये कौन सी प्लेयर है, ये कौन सी भाग इस दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्लेयर है, कि किस मुल्क से आई है कि ये अभी तक यहाँ पर, और वो तो जीत जूत के लड़कियाँ जो हैं वो जा भी चुकी हैं घरों को, पता ये चला कि पाकिस्तानी लड़की है, अब किसको उठा के भेजा था आपने ये नहीं पता, और वो भागने का बाकी तो छोड़ ही दें, जाहिर है वो क्या खेलों का क्या मैार होता है आप जानते हैं, कि वो बेचारी वहाँ पे पहुँच गई, बड़ी बात है, वो मतलब कोई तरीक़ाकार होता है, बाल खोले में इतने लंबे लंबे जैसे कि कोई इंडियन मूवी में वो जो है वो एक्टिंग हो रही है या कहीं पर कोई मॉडलिंग हो रही है, पंखे रखे हुए, पंखे चला के बाल उड़ाए जा रहे हैं और एक्टिंग हो रही है, यानी कम अज़ कम इतना तो आप देख लें कि क्या डेकोरम है, आप कहीं पर जाते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह, ये भी नहीं पता, मतलब पता ही नहीं कुछ, और बस छोड़ ही दें, आपको पता है ओलंपिक्स और इसमें तो हमारी बड़ी वो शर्मिंदगी वाली सूरत हाल रहती है तमगों वमगों की, लेकिन इंडिया ने जो है इसमें काफ़ी मेडल्स जो हैं वो इकट्ठे किए, कोई बात, वैसे भी उनके पास सोना बड़ा है गोल्ड, तो ये वाला गोल्ड भी इकट्ठा हो रहा है। एशियन गेम्स चल रही हैं, पाकिस्तान के भी यहाँ से एथलीट्स गए हैं, स्पोर्ट्समैन गए हैं, और दूसरे कंट्री से भी जाहिर बात है आए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ दो मेडल हम लोग जीत सके हैं। हॉकी की बात करें, बुरी तरह से हम हारे हैं, 10-2 के मुकाबले में हम हारे हैं। इवन क्रिकेट की बात करें, अफगानिस्तान से हम हार गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सर मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर बात करें पूरे मुल्क की, तो पूरे मुल्क में एक चीज़ नहीं है, क्या मेरिट, मेरिट नहीं है। और भाई असल में रीज़न ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि हम निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा, वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड नहीं है, है ही नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल द्रविड़ जैसा आप मेच्योर प्लेयर पैदा कर सको। ठीक है, ये चीज़ है, और पहले भी एक भाई से बात की उन्होंने भी, और ये चीज़ मैं भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स मैन है उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ये आती है कि उन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि देखें मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट की कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो खेलना जानते हैं, खेल सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, अगर प्रॉपर ट्रेंड किया जाए। मेरी बात कि पाकिस्तानी कौम हर चीज़ कर सकती है, वही चीज़ें कि जो हमें बचपन में सही बताई जाती हैं और बड़े आगे कहते हैं ये फेक हैं भाई, इसमें कंप्रोमाइज़ करो, यार बचपन में वो चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती, हमें क्यों नॉलेज नहीं दिया जाता, हमें क्यों सिखाया नहीं जाता, फिर प्रोटेक्शन हम उस लेवल के लिए। अगर मैं एक और डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज हम मदरसे के बच्चों के बारे में बात करते हैं, जो बच्चा स्कूली एतबार से सबसे नालायक हो, पढ़ नहीं सकता, उसको मदारिस में भेज देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें रॉ मटेरियल ने ऐसा दिया और उसकी प्रोटेक्शन हमें एक क्लास की मिले, और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो गया मौलाना बनता है तो वही हम पे फतवा लगा देता है, फतवा लगा देता है, मेंटल लेवल आप देखें, और जब वो मौलाना बनेंगे तो वो उसी लेवल का अपना वो फतवा भी रखेंगे, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। मतलब यू नो
लेकिन बहरहाल इंडिया इज रियली डूइंग वेल. दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव ब्रीच द 100 मार्क इन द मेडल्स टैली. और वैसे अगर आप देखें तो अभी भी आप कहेंगे कि यार वो तो देखो चाइना ने तो इतने मतलब मेडल जीते हुए हैं और अभी तो बहुत पीछे है इंडिया ने, तो मतलब अभी जो इस वक्त टैली है. लेकिन कल क्योंकि आखिरी दिन है एशियन गेम्स का, तो उसमें जो है कॉम्पिटिशन का, बट इंडिया इज अश्योर्ड ऑफ ओवर 100 मेडल्स, विच इज द फर्स्ट टाइम दे वुड हैव अचीव्ड दिस टारगेट इन द एशियन गेम्स हिस्ट्री. लेकिन इस वक्त 22 गोल्ड, 34 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज है, सो दे गॉट अ टोटल ऑफ 95 मेडल्स. यू वुड से कि यार चाइना तो 353 है टोटल उनका, एक 187 उनके गोल्ड है. लेकिन इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ इंडियन स्पोर्ट्स लवर, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट, बिकॉज लास्ट इन द लास्ट एशियन गेम्स इंडिया जस्ट मैनेज्ड अराउंड 70 मेडल्स समथिंग इन टोटल. दिस टाइम दे हैव ब्रीच्ड द 100 मार्क्स, सो दैट्स अ बिग थिंग. क्योंकि एक एशियन कंट्री का मतलब आई मीन सब कॉन्टिनेंट से कंट्री का इस तरह से मतलब परफॉर्म करना है, दे आर डूइंग वेल इन एवरी स्पोर्ट्स, दैट्स द मेन पार्ट. दैट इवन अब उनको एक और गोल्ड शायद है उनका पक्का, मुझे लगता है क्रिकेट में तो वो फाइनल खेल ही रहे अफगानिस्तान से. काफी मेडल्स जो हैं वो इकट्ठे किए फ्रेंड्स. ये था आज का हमारा वीडियो और आपने देखा कि भाई पाकिस्तान की और भारत की हम कंपैरिजन करते हैं. पहली बात तो ये कि भाई हम कंपैरिजन करते ही क्यों हैं, मुझे एक बात बताएं, हम कंपैरिजन करते ही क्यों हैं? हमारा तो कंपैरिजन कहीं बनता ही नहीं है. आप देखें आज इंडिया की जो टीम्स हैं वो मेडल्स जीत रही है, 100+ जो हैं उन्होंने मेडल्स जीते हैं, जिसमें गोल्ड 22 तो सिर्फ गोल्ड हैं और हो सकता है उसकी क्वान्टिटी बढ़ भी गई हो, लेकिन सेंचुरी टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो सेंचुरी उन्होंने बना ली है. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इससे साफ वाजह होता है कि इंडिया में जो गेम है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है, खर्चा किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, ट्रेन किया जाता है और जो है आज उसकी वजह से भारत का नाम भी रोशन हो रहा है. वहीं पर ही अगर हम देख लेते हैं तो पाकिस्तान में आप नदीम अरशद को देख लें, उनका क्या हाल है? उनको कोई सपोर्ट करने वाला है? उनकी उनको तो कोई जानता भी नहीं है पाकिस्तान में. मैं आपको ये भी बता दूं, नीरज चोपड़ा को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, नदीम को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है पाकिस्तान में, तो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग हैं. वो बेचारा इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती. उस बंदे को जो है वो उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया. अगर उसको प्रमोट किया गया होता आज वो भी आगे होता. तो ये बदकिस्मती है कि वो लोग ऐसे, हमारा टैलेंट जो है वो जमीन पे रुल रहा है, टैलेंट को कोई वैल्यू कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है. सिर्फ हमारी अगर फोकस है, अब हॉकी में हमारी टीम जो है वो हारी है. मुझे एक बात बताएं, हॉकी में हमारी टीम हारी है, मुझे एक बात बताएं, हॉकी तो पाकिस्तान का नेशनल गेम है, कौमी गेम है पाकिस्तान का, और वही गेम जो है वो पाकिस्तानी टीम हार गई है. आप इसमें अंदाजा लगा लें, जो नेशनल गेम है उसी में हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारी कोई उसमें कारकर्दगी ही नहीं है. तो भाई बेवकूफ बनाने वाली बात है कि हम बोले कि भाई हम कंपेरिजन करते हैं भारत के साथ. हम कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ खुद को नहीं कर सकते हैं. भारत तो दूर की बात है, अफगानिस्तान में भी कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है और अफगानिस्तान जैसी कंट्री में आज जो है वो लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां पर हैं, मुझे ये बताएं. तो एंड करते हैं यहीं पर ही. और कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, हर चीज में आप लोग आगे हैं और अब मैचेस और गेम्स में भी आगे हैं और अभी वर्ल्ड कप भी हो रहा है भारत में, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है. अच्छा हुआ श्रीलंका में नहीं हो रहा, वरना बारिश होती और सारा मैच का मजा कितना हो जाता, तो अच्छा हुआ. एनीवेज फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को यहीं पर ही एंड. आप इसके ऊपर अपनी क्या राय देंगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपने बताना है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय.